ओम शांति। आज बाबा के 18 अप्रैल 2021 के अव्यक्त मधुर महावाक्य हैं, जिनकी रिवाइज डेट है 14 दिसंबर 1987। बाबा ने संगमयुगी ब्राह्मण जीवन की 3 विशेषताएं बताई, योगी तो आत्मा, ज्ञानी तो आत्मा, साथ साथ बाप समान कर्मातीत आत्मा। ये 3 विशेषताओं का अनुभव अगर इस संगम युग पे नहीं किया तो मतलब प्राप्तियों से वंचित रह गए। इस संगम युग के समय को पूरे कल्प में वरदानी समय कहा गया। इस वरदानी समय में वरदाता स्वयं आते हैं, सर्व प्राप्त से भरपूर करते हैं। ये समय भी वरदानी है, सर्व प्राप्तियों का समय है, संपूर्ण स्थिति प्राप्त करने का समय है। पूरे कल्प में जैसा कर्म वैसा फल, जैसा कर्म वैसी प्रालब्ध, ये हिसाब चलता है। लेकिन इस संगम युग के वरदानी समय पर एक का पदम गुणा प्राप्त होता है, हिम्मत का एक कदम बच्चों का, पदम गुणा मदद बाप दादा की। इसी समय बाबा रहम दिल बन, दाता विधाता वरदाता बन, सर्व संबंधी बन बच्चों का साथ निभाते हैं, मददगार बनते हैं। अभी बाप दादा हर एक बच्चे को खुले भंडार, भरपूर भंडार से संपन्न करते हैं, 16 कला संपन्न बनाते हैं। इस वरदानी समय के महत्व को समझना है, स्वयं को भी समझना है, बाबा को भी समझना है, समय के महत्व को भी जान संपन्न बनना है। समय को जानना अर्थात महान बनना। अभी तो बाबा का पाठ वरदाता के रूप में, विधाता के रूप में, दाता के रूप में है, आगे चलकर साथी कौन बनेगा? आगे चलकर हिसाब किताब चुक्त होने का समय होगा। अभी तो कोई भूल करते हैं तो बाबा माफ करने में मदद करते हैं। सच्चे दिल से कोई महसूस करता है तो दिल की महसूसता ये माफी की सही विधि है। कोई कोई तो चतुर सुजान बन, भोले बन, अपनी भूल को दूसरों को कहने से, दूसरों के कहे अनुसार सोचते थोड़ी देर के लिए तो माफी ले लें, फिर वैसे हो जाते हैं। तो बाबा भी नॉलेजफुल बन मुस्कुराते हैं, माफ नहीं करते। अंडरलाइन करेंगे हम इस बात को, अपनी कोई भी भूल को सच्चे दिल से महसूस करना ये माफी लेने की सही विधि है। इस समय इस विधि के द्वारा पदम गुणा प्राप्त करते हैं। अगर विधि को नहीं समझा तो भाग्य श्रेष्ठ नहीं बनता। ये वरदाता द्वारा मिला हुआ वरदानी समय है, इसके महत्व को समझना है, अपने भाग्य को श्रेष्ठ बनाना है। श्रेष्ठ कर्म की कलम भी बाबा ने इस समय हमें हाथ में दी है। बाबा ने कहा इसी समय आप बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति के द्वारा सर्व प्राप्तियों के अधिकारी बन जाते हो, अपने समूचे स्वमान में स्थित हो जाओ। पूरा संगम युग ही थैंक्स करने का युग है, जब आप सबके लिए शुभ भावना शुभ कामना रखते हो तो ये सच्चा सच्चा थैंक्स है। खुशी और शक्ति दोनों अगर साथ हैं तो विघ्नों को जीतना सहज होगा। परिस्थितियों में घबराने की बजाय उनसे पाठ सीखकर आगे बढ़ते चलो। आज की मुरली से हम इस संगम युग के वरदानी समय को सच्चे दिल से महसूस करेंगे कि वरदाता स्वयं मेरे साथ है, जो तूफानों में भी मेरी छत्र छाया बन जाता है, पदम गुणा मदद करता है। इस वरदानी समय के महत्व को जान, समय को संपूर्ण रीति से इसका लाभ लेना है।
और स्वयं योग का स्वरूप, ज्ञान का स्वरूप, कर्मातीत बनकर बाबा के साथ चलना है।